राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोमवार को भूपतवाला हरिद्वार में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने देश और प्रदेश में सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई लोगों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अग्रवाल समाज अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश और राष्ट्र की समृद्धि में अतुलनीय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को बनाने में इकोनॉमी महत्वपूर्ण है, जिसमें अग्रवाल समाज बड़ी भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि महाराज अग्रसेन जैसे महापुरुषों का जीवन चरित्र भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा देने में समर्थ है। हमारी हर पीढ़ी को महाराज अग्रसेन के जीवन चरित्र को समझना होगा। वे एक महान दानवीर, राष्ट्रभक्त और सच्चे समाजवाद के प्रणेता हैं। ऐसे महापुरुष हैं जिस समाज के पूर्वज और पथ प्रदर्शक हो, निश्चित ही वह समाज भी अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलते हुए मानवता को उच्च शिखर तक ले जाने में समर्थ हो सकता है। उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलते हुए एक महान प्रेरणादायी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अग्रवाल समाज लोगों की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है। महाराज अग्रसेन जी की मानवतावादी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह संगठन निरंतर प्रयत्न कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि संगठन की ओर से देश में अनेकों अग्रवाल धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक योजनाओं और गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदान करने के साथ ही सामाजिक कुरीतियां, भेदभावों और बुराइयों के उन्मूलन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना ईमानदारी के चरित्र और राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है, इस पर हम सभी को मिलकर प्रहार करना होगा, तभी हम एक मजबूत राष्ट्र और विश्व गुरु बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सेवा और कल्याण का भाव हमेशा रखना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेम चंद्र अग्रवाल, माननीय मंत्री वित्त एवं शहरी विकास, आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन व जनगणना ने अग्रवाल समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समाज हमेशा व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज के हित व कल्याण की बात सोचता है। हमें यह प्रेरणा महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों से मिली है, जिन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया तथा वे पूरी मानवता के प्रवर्तक थे। माननीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्वस्थ समाज में कुरीतियों का कोई स्थान नहीं। उन्होंने कहा कि आज हमें दहेज जैसी कुरीति को दूर करने के लिए दहेज न लेने का संकल्प लेना होगा। बात करी अग्रवाल सोच की है, क्या है उसको? सबसे पहले आप सबको जय। आज हरिद्वार में अग्रवाल समेत समाज का सम्मेलन में हिस्सा लिया और मैं सच कहूं तो आज एक अलग अनुभव हुआ। मैंने आज पूरे अग्रवाल समाज को बहुत धन्यवाद दिया, उनका आभार प्रकट किया कि जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में हर एक भारतीय का चरित्र निर्माण के अंदर में और समाज के हर एक पहलू में जो योगदान दिया है वो अपने आप एक काबिलियत तारीफ है। और अग्रवाल समाज का जो महाराजा अग्रसेन जो अग्रहुआ से जो सोच जिस प्रकार आपने सवाल किया है, मैं कहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ी बात होती है सोच, विचार और धारणा। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्रांगण से पंच प्रण के बारे में कहा था और उसमें कहा था कि हमारी जो सोच है वो एक विकसित भारत की होनी चाहिए, हमारी सोच है वो एक हेरिटेज के ऊपर में होनी चाहिए, हमारे एक अपने ही एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ के बारे में होनी चाहिए। तो और जिस विकसित भारत का हम सब ने संकल्प लिया है, सपने देखे हैं, उसमें अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सबको तो ये मालूम ही है कि इकोनॉमी के मामले में, बिजनेस और माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी में उनका योगदान बहुत ही अलग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो अग्रवाल समाज की बात यह है कि उन्होंने समाज में जितने भी कार्य किए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से धर्मशालाएं, धर्म के जो जितने भी फंक्शन होते हैं, महिलाओं के, बच्चों के, शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो काबिले तारीफ है। और आज जो हरिद्वार में गंगा मैया के तट पर आज जो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अग्रवाल समाज के जो राष्ट्रीय संगठन है उसके हर एक मेंबर आए और भारत के अलग अलग जगह से आए हैं। और अभी जो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में भी जो अग्रवाल समाज की इकाइयां हैं वो भारत के वो राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और सेवा में हर वक्त लगती रहती है। और आज जो एक खास सम्मान दिया गया वो एक रमेश अग्रवाल जी हैं, जो मेरे साथ में जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो उसके अंदर में कोविड रिस्पांस टीम के अंदर में हम दोनों इकट्ठे थे। उन्होंने जो कार्य किया था वो काबिले तारीफ और बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। इसके अलावा एक गिरिराज जी हैं, गिरिराज अग्रवाल, जो मेरी यूनिट में, मैं तो फौजी हूं, 40 साल फौज की नौकरी की है,
और उन्होंने तो 40 से मैं कहूंगा कि पिछले 50 साल से मेरी यूनिट के साथ में है और उनको मैंने बहुत